हैदराबाद में पिछले 2 दिनों में कुछ शरारती लोग पुराने वीडियोस, दूसरे देश के वीडियोस जिसमें इराक, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन के वीडियोस को कट एंड पेस्ट करके फॉरवर्ड कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। ऐसे मौके पे व्हाट्सएप ग्रुप के सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैं एक वार्निंग देता हूं कि इस तरह के वीडियोस और पिक्चर्स को फॉरवर्ड करना कानूनन अपराध है और आपके खिलाफ केस रजिस्टर भी हो सकता है और आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ऐसे प्रोवोकेटिव पिक्चर्स और वीडियोस सर्कुलेट करने का केवल एक ही मकसद है, पब्लिक में दहशत फैलाना, पब्लिक के लॉ एंड ऑर्डर के माहौल को खराब करना, और हम लोग इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकते। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में दूसरे जगह अगर कुछ कहीं घटना हुआ उससे मुझे क्या मतलब, हैदराबाद को क्या मतलब, और पब्लिक और पुलिस की पार्टनरशिप के साथ किसी भी इस तरीके के मंसूबे को हम लोग सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। और जितने भी सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सभी को मैं अपील करता हूं कि इस तरह के पिक्चर्स को आप फॉरवर्ड या अपलोड नहीं करें। ये किसी भी पिक्चर से कश्मीर का भी कोई मतलब नहीं है, ये कोई भी पिक्चर, इसमें कश्मीर के कोई ना तो पुलिस ऑफिसर का यूनिफॉर्म दिखता है, जो फोटोज है वो भी बाहर के देशों के लोग का है। तो ऐसे मौके पे मैं उम्मीद करता हूं।